वाले बच्चों के दिमाग के अंदर कचरा भरती हुई ये वाली वीडियोस तो आप सबने देखी होगी। कभी ये लोग दिखाते हैं कि टीचर और बच्चे की अपनी आशिकी चल रही है, कभी ये लोग दिखाते हैं कि बच्चे की अपनी आशिकी चल रही है, कभी ये लोग दिखाते हैं कि कोई क्लासमेट अपनी गर्लफ्रेंड के लिए दूसरे बच्चे को पीट रहा है, कभी ये लोग दिखाते हैं कि कोई बच्चा अपनी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड के लिए अपने हाथ की नसें काट रहा है। मैं लहन के बोर्डों से ये पूछना चाह रही हूँ कि लहन के बोर्ड क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो देश की यूथ को। निब्बा निब्बीस को तो ये वीडियोस इतनी ज्यादा क्यूट लगती है ना, मैं उनके कमेंट्स देख रही होती हूँ कि ओ माय गॉड सो स्वीट, मेरे जानू ने भी मुझे ऐसे ही प्रपोज किया था स्कूल रिसेस टाइम में कुरकुरे खिला के। तो बेटी निब्बी जा जा करके पढ़ ले, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, होमवर्क कर ले जो मैडम ने होमवर्क दे रखा है। और जो स्कूल में पढ़ने वाले बालक एकदम इन वीडियोस को देख करके कहते इन्फ्लुएंस होने लग रहे हैं ना, और कहते फीलिंग्स के अंदर बहन लग रहे हैं, उनसे कहना चाहूंगी कि बेटा देखो आशिकी के अंदर तो कटेगा ही, और ऊपर से अगर घर वालों को पता चल गया तो घर वाले बेल्ट से सूतेंगे भी और डंडे से कूटेंगे भी, इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहो। कर देता हूँ आज से एक दो साल बाद मैं भी भूखा मारूंगा और इसे भी भूखा मारूंगा, क्योंकि ना तो मैं खुद पढ़ूंगा इस आशिकी के चक्कर में और ना मैं इसे पढ़ने दूंगा। ऐसी स्कूल लव स्टोरी वाली वीडियोस ने ना जाने कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दिया। माँ बाप इतनी मेहनत करके पढ़ने के लिए भेजते हैं बालकों को, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगी मेरी बेटी, मेरा बेटा लॉयर बनेगा, लेकिन बालक यहाँ पर बैठ करके क्या बन रही है, निब्बी का निब्बा। कौन से स्कूल में बच्चे लिपस्टिक लगा के आते हैं या फिर लटे निकाल के आते हैं या फिर बैठ करके सिगरेट पीते हैं या फिर बैठ करके सेल्फीज लेते हैं या फिर बैठ करके टीचर्स को छेड़ते हैं। इन लहन के बोर्डों ने स्कूल की इमेज की एकदम धज्जियां उड़ा दी हैं। मैं पूछना चाह रही हूँ बहन स्कूल के अंदर पढ़ने आई हो या फिर मेरी बहन के लौंडा के ब्याह में आई हो। जैसी सड़क छाप हरकतें ये लौंडा क्लास के अंदर करण लग रहा है, उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल के अंदर नहीं है, रोड पे बैठा है। और ये स्कूल के बच्चे हैं, समझ रहे हो, स्कूल में पढ़ने वाले बालक है, छोटे छोटे बच्चे नहीं होते क्यूट क्यूट से, ये वो बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ने आए, ये बीड़ी सिगरेट का धुआं उड़ा रहे, स्कूल में पढ़ने वाले भविष्य के बच्चे हैं ये। नैना जाने या फिर ना जाने, लेकिन बेटा अगर आपके घर वालों को पता चला ना कि आप बोर्ड के पेपर देने की जगह यहाँ पर पे आशिकी के पर्चे भर रहे हो, तो आपको ऐसा जनानी और जनाना बना बना के मारेंगे ना कि उसके बाद आपको आपका निब्बा और निब्बी भी नहीं बचा पाएंगे। मुझे तो तुम्हारा साथ जाना है। कहाँ तक जाना है? हमारे मंदिर तक। देख रहे हो, इसके साथ तो अगली मंजिल तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन मम्मी अभी बोल देना कि बेटा घर के अंदर झाड़ू या फिर पोछा लगा दे, बर्तन धो दे, तो वहीं पे फैल जाते हैं कि हैं मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी, परियां झाड़ू पोछा थोड़ी ना लगाती हैं, समझ रहे हो ना। बिगाड़ो भाई, खूब बिगाड़ो, स्कूल पढ़ने लिखने के लिए थोड़े ना होते हैं, स्कूल तो आशिकी करने के लिए होते हैं, स्कूल तो लिपस्टिक लगाने के लिए होते हैं, रुमाल गिरा करके लौंडा लौंडिया पटाने के लिए होते हैं, क्लासमेट को प्रपोज करने के लिए होते हैं, सेल्फी लेने के लिए होते हैं, सिगरेट पीने के लिए होते हैं, और क्या, स्कूल पढ़ने के लिए नहीं होते? नहीं भाई, आज तक हम जो लोग सोचते थे ना कि स्कूल के अंदर जाकर के पढ़ाई होती है, बच्चे कुछ सीखते हैं, ना भाई ना, इन वीडियोस वालों को देखो, इनके हिसाब से स्कूल के अंदर पढ़ाई तो होती ही नहीं, बाकी सब कुछ होता है। हम अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और ये लहन के बोर्ड उन्हें याश बनाना चाहते हैं। अगले के पिछवाड़े से जिन्स एकदम खिसक खिसक जा रही है, बेल्ट लगाने के बाद भी जिन्स एकदम नीचे सरक रही है, लेकिन लौंडे के स्वैग में कोई कमी नहीं, और स्कूल के अंदर पढ़ने गया है लौंडा। सही बात है, पढ़ाई लिखाई में कमी हो जावे, लेकिन स्वैग में कमी नहीं होनी चाहिए। ये खुद तो ऐसी वीडियोस बना करके पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों के दिमाग पे इतना बुरा प्रभाव डाल रहे हैं ना, आप लोग उस चीज को इमेजिन कर भी नहीं सकते। स्कूल के बच्चे इतने ज्यादा इन वीडियोस को देख करके इन्फ्लुएंस होने लगे हैं, ऐसे ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं जिनका कोई नंबर ही नहीं, और उन केसेस को डिस्कस भी नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी चीजें इन लोगों की वजह से बढ़ रही हैं। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके इस चीज़ के ऊपर अपनी राय जरूर देना। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप ऐसे स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। राम राम जी।